Good morning, my dear friends and students, and welcome to Plus Two Biology class. Today we are going to discuss fertilization and implantation. Fertilization क्या होती है, implantation कैसे होती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में discuss करेंगे. तो सबसे पहले coitus के through sperms are released into the vagina. This is female reproductive system. तो यहाँ पे sperms जो है vagina में release हो जाते हैं. ये sperms क्या करते हैं, ये cervix के through, cervical canal के through यूट्रस में एंटर करते हैं, और यूट्रस में एंटर करने के बाद ये या तो ये दोनों ही तरफ फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंचते हैं, और यहाँ से ये एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, मतलब जो हमारा ये एम्पुला है और ये जो इस्थमस है, ये दोनों पार्ट्स फैलोपियन ओवरी के हमने पहले पढ़े हैं, ये वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं. और इसी टाइम पे सेम टाइम पे ये जो ओवरी हमारी है, ये जो ओवरी है, ये भी सेकेंडरी ओवोसाइट को रिलीज करती है, और ये सेकेंडरी ओवोसाइट भी यहाँ पे पहुंचता है. अगर ये दोनों स्पर्म और ओवम, या रादर इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ओवोसाइट, अगर ये दोनों सेम टाइम पे इस एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में पहुंचते हैं, तभी फर्टिलाइजेशन होती है. अगर इन दोनों में से कोई भी एक टाइम पे या अलग अलग टाइम पे यहाँ पे इस जंक्शन पे पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती. तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, दैट फैलोपियन ट्यूब्स आर द साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. फैलोपियन ट्यूब्स वो जगह है जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है. अब फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग दैट विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, या फिर इसे हम सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं. फर्टिलाइजेशन के लिए एक और टर्म है विच इज सिनगैमी. नाउ द सेकेंड थिंग इज कैपेसिटेशन. व्हाट इज कैपेसिटेशन, स्पर्म एक्टिवेशन इज नोन एज कैपेसिटेशन. तो ये स्पर्म एक्टिवेशन कहाँ होती है, ये होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में. और ये किसके कैपेसिटेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द स्पर्म. जो स्पर्म अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए प्रिपेयर करता है, बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम. ओवम में जाने से पहले जो स्पर्म की अपनी प्रिपरेशन होती है, दैट इज नोन एज कैपेसिटेशन. और इस कैपेसिटेशन में स्पर्म क्या करता है, इसका जो एक्रोसोम है, जो स्पर्म का हेड होता है, यहाँ पे इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज नोन एज एक्रोसोम. उस एक्रोसोम से फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन. नाउ नेक्स्ट कम्स द एक्रोसोमल रिएक्शन. तो एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम जो स्पर्म के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट सीक्रेट्स एन एंजाइम विच इज नोन एज हाइलुरोनिडेज, या फिर इस एंजाइम को हम स्पर्म लाइसिन एंजाइम भी कहते हैं. इसका काम क्या होता है, इट हाइड्रोलाइजेस दिस कोरोना रेडिएटा लेयर ऑफ द ओवम. ये कोरोना रेडिएटा के जो फॉलिकुलर सेल्स है उनको हाइड्रोलाइज कर देता है, उनको तोड़ देता है. अब तोड़ देगा तो क्या होगा, ये स्पर्म जो है इट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद जोना पेनिसिडा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम. पहले हम ओवम का स्ट्रक्चर कर लेते हैं. सेंटर में यह सेकेंडरी ओवोसाइट है, इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विच इज ऑल्सो नोन एज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन. उसके बाहर जो लेयर है दैट इज जोना पेनिसिडा, दिस लेयर इज जोना पेनिसिडा. और उसके बाहर फॉलिकुलर सेल्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज कोरोना रेडिएटा. तो जब स्पर्म्स इनके कॉन्टेक्ट में आते हैं, ओवम के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो क्या करता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो एंजाइम सीक्रेट करता है हाइलुरोनिडेज. और ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, ये कोरोना रेडिएटा के ये जो फॉलिकुलर सेल्स है इनको तोड़ देता है. इसका मतलब क्या है कि जो ओवम के बाहर की ये थर्ड लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना रेडिएटा, ये वहां से खत्म हो जाती है. अब ओवम के बाहर सिर्फ दो लेयर्स रहेंगे, एक जोना पेनिसिडा और एक वाइटेलाइन मेम्ब्रेन. अब स्पर्म जो है वो जोना पेनिसिडा के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं. जैसे ही स्पर्म जो है वो जोना पेनिसिडा के कॉन्टेक्ट में आता है, इससे ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं. इसका कहने का मतलब है कि अगर एक स्पर्म इसके साथ
फ्यूज कर जाएगा तो बाकी और कोई भी स्पर्म्स आके इसके साथ फ्यूज नहीं करेंगे। तो दिस फिनोमेनन वेयर वन स्पर्म फ्यूजेस विद वन एग इज नोन एज मोनोस्पर्मी एंड द फ्यूजन ऑफ मोर देन वन स्पर्म विद वन एग इज नोन एज पॉलीस्पर्मी। दिस पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइटेनाइट मेम्ब्रेन। एंड वन मोर थिंग दैट एडहेशन ऑफ स्पर्म विद द ओओसाइट, जो स्पर्म ओओसाइट के साथ अपने आप को ज्वाइन करता है उसकी जो दोनों की कॉम्बिनेशन है दैट इज ड्यू टू फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजिंग रिएक्शन विच इज स्पीसीज स्पेसिफिक, हर एक स्पीसीज में यह स्पेसिफिक होता है और इसी रिएक्शन की वजह से सिर्फ एक ही स्पीसीज के स्पर्म्स अपने ही स्पीसीज के ओवम को फर्टिलाइज कर सकते हैं। सो कम्स व्हाट इज फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द एक्टिवेशन ऑफ ओवम। इसमें क्या होता है जो ओवोसाइट है जो हमारा मैच्योर एग है दैट प्रोड्यूसेस अ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज नोन एज फर्टिलाइजिंग। ये फर्टिलाइजिंग क्या करता है, ये दो काम करता है। सबसे पहला एक तो ये स्पर्म्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जब उसके पास पहुंचते हैं तो उसको वहां पे होल्ड करके रखता है, स्पर्म्स को होल्ड करके रखता है। सेकंड इट ट्रिगर्स द एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम जो स्पर्म के हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसमें रिएक्शंस को इनिशिएट करता है। तो क्या होता है स्पर्म का जो हेड है दैट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन विच इज नोन एज एंटी फर्टिलाइजिंग। जो स्पर्म का हेड है वो भी एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है विच इज फाउंड ऑफ एसिटिक अमीनो एसिड्स एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज एंटी फर्टिलाइजिंग। नाउ द स्पर्म हेड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद जोना पेलुसिना। क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि जो एक्रोसोम है वो हाई ह्यूरोनिलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे कोरोना रेडिएटा के फॉलिकुलर सेल्स खत्म हो जाते हैं। नाउ द स्पर्म हेड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद जोना पेलुसिना और इससे क्या होता है जो एक्रोसोम की मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है एंड दिस स्टेप इज नोन एज और दिस रिएक्शन इज नोन एज एग्लूटिनेशन। नाउ स्पर्म्स के हमने जो चार पार्ट्स किए हैं हेड नेक मिडल पीस एंड टेल, इसमें से तीन पार्ट्स हेड नेक और मिडल पीस जो है स्पर्म का वो एग के अंदर चला जाता है ओवम के अंदर चला जाता है लेकिन टेल जो है वो पीछे ही रह जाती है। और जब इसकी एंट्री होती है एग में नाउ द सेकेंडरी ओसाइट इट अंडरगोज मियोसिस टू एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड द सेकेंड पोलर बॉडी एंड सून आफ्टर दिस द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ द ओवम दे कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट। ये जायगोट हमारे पास कैसा होगा डिप्लॉयड, इसके पास क्रोमोसोम के दो सेट्स होंगे। कैसे होंगे क्योंकि स्पर्म के पास एक हैप्लॉयड सेट होगा एक ओवम के पास हैप्लॉयड सेट होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और जायगोट बनाएंगे विच विल हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ कम्स अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद क्लीवेज एंड एंड्स विद इम्प्लांटेशन। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारी क्लीवेज के साथ शुरू होती है और इम्प्लांटेशन पे खत्म होती है। तो क्लीवेज की बात अगर हम करें तो क्लीवेज क्या है दीज आर द माइटोटिक डिविजन्स विच अकर इन जायगोट। और ये जायगोट में माइटोटिक डिविजन कब होना शुरू होती है जब जायगोट यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करता है फ्रॉम द ओविडक्ट। और इसमें जब डिविजन्स होती हैं तो कैसे सेल्स बनते हैं, पहले एक से दो, दो से चार, चार से आठ और फिर उसके बाद 16 डॉटर सेल्स बनते हैं एंड दीज 16 डॉटर सेल्स दीज आर नोन एज ब्लास्टोमेरस। एंड द एम्ब्रियो विद दीज 8 टू 16 डॉटर सेल्स इज नोन एज मोरूला। तो मोरूला को अगर हम देखें तो ये कैसा हमें दिखता है इट इज अ सॉलिड मास ऑफ सेल्स, इसमें सभी सेल्स जो है इकट्ठे होते हैं सॉलिड मास बनाते हैं एंड इट लुक्स लाइक अ मलबरी, जैसा शहतूत होता है उसकी तरह हमें दिखता है। एंड ऑल्सो द ग्रोथ इन जायगोट डज नॉट टेक प्लेस, इन डिविजन्स के साथ जायगोट की ग्रोथ नहीं होती, जायगोट का साइज उतना का उतना ही रहता है बट विद ईच सक्सेसिव डिविजन साइज ऑफ ब्लास्टोमियर्स डिक्रीजेस, हर एक डिविजन के साथ ब्लास्टोमियर का साइज जो है वो
छोटा होता जाता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो बढ़ती जाती है. एंड बाय द एंड ऑफ द फोर्थ डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, सो बाय द एंड ऑफ फोर्थ डे द एम्ब्रियो रीचेस द यूट्रस. यूट्रस में पहुंचने के बाद पहुंच जाता है ये फोर्थ डे पे. अब अगर हम क्लीवेज को देखें तो क्लीवेज ह्यूमन बींग्स में कैसी होती है, दे आर इक्विवेलेंट होलोब्लास्टिक. इक्विवेलेंट होलोब्लास्टिक से हमारा मतलब है कि जो ब्लास्टोमेयर्स हैं दे डिवाइड कम्प्लीटली. अभी हम इनका डायग्राम में देखेंगे कि कैसे बनते हैं ये. तो सबसे पहले इसकी डिवीजन जो है वो कैसी होती है, इट इज वर्टिकल एंड इट इज अ लॉन्ग एनिमल पोल वेजिटल पोल विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू ब्लास्टोमेयर्स. सेकेंड डिवीजन इज वर्टिकल बट परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट डिवीजन. एंड थर्ड क्लीवेज इज हॉरिजॉन्टल एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू फर्स्ट टू डिवीजन्स. और जब ये क्लीवेज जाइगोट में चल रही है उस टाइम पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि जो जोना पेलुसिडा है दैट रिमेन्स इंटैक्ट. जोना पेलुसिडा इस जाइगोट के बाहर रहती है, मतलब मॉडुला जो है हमारा दैट इज दैट गेट्स सराउंडेड बाय द जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा उसमें टूटती नहीं है, मॉडुला को वो सराउंड करती है. ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो अभी हमने देखा कि हमारे पास 60-30% मॉडुला बनता है. इस मॉडुला में और फर्दर डिविजन्स होती हैं और ये ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाता है. ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला एक ही उसके नाम है. अब इस ब्लास्टुला के अंदर एक कैविटी डेवलप हो जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. तो अगर हम मॉडुला को ब्लास्टुला से डिफ्रेंशिएट करें तो हम उसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट ये कि मॉडुला में ये बाहर जोना पेलुसिडा इज प्रेजेंट. दिस जोना पेलुसिडा इज प्रेजेंट. लेकिन जब ये ब्लास्टुला में चेंज होता है दिस जोना पेलुसिडा डिसअपीयर्स. ये डिसअपीयर हो जाती है और ये वाले जो सेल्स हैं ये आप अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं. क्या अरेंजमेंट होती है इनकी, सबसे पहला इन सेल्स के अंदर एक कैविटी आ जाती है विच इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट. और दूसरा जो ये सेल्स हैं ये अपने आप को दो लेयर्स में डिफरेंशिएट कर देते हैं. एक आउटर लेयर आती है विच इज नोन एज प्रोफोब्लास्ट एंड इनर मास ऑफ सेल्स. ये इनर मास ऑफ सेल्स है एंड दिस इज द आउटर प्रोफोब्लास्ट. अब यहाँ पे ये दोनों सेल्स क्या करते हैं, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इट गेट्स अटैच टू द यूट्रस और एंड्रोमीट्रियम ऑफ द यूट्रस एंड दिस इनर मास ऑफ द सेल्स इट फॉर्म्स एम्ब्रियो. तो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एंड्रोमीट्रियम के साथ अटैच कर लेता है अपने आप को और जो इनर मास ऑफ सेल है इट फॉर्म्स द एम्ब्रियो. इसके बाद जो यूट्रस के सेल्स हैं दे डिवाइड रैपिडली, इतने जल्दी से डिवाइड करते हैं वो कि इस पूरे के पूरे एम्ब्रियो को कवर कर लेते हैं, अपने अंदर कवर कर लेते हैं. तो मतलब अब जो हमारा ये ब्लास्टुला है वो अंदर आ जाता है और उसके चारों तरफ यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल आ जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नाउ नोन एज इम्प्लांटेशन. अगर इम्प्लांटेशन होती है तो उसके बाद प्रेगनेंसी होती है. सो इट लीड्स टू इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी. और इम्प्लांटेशन कब होती है, इट अकर्स ऑन द सेवंथ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के सातवें दिन के बाद इम्प्लांटेशन होती है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए.